नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के पास पिछले 1.5 महीने से तनाव जारी है। दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है। वहीं दूसरी ओर भारत में चाइना के खिलाफ बॉयकॉट चाइना की मुहिम चल रही है। दूसरी ओर भारत ने अब तक 106 चाइनीज ऐप बैन कर दिया है। सबसे पहले भारत ने चीन के 59 ऐप बैन किए थे। इसके बाद सोमवार को 47 चीनी मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया गया। अभी भी मोदी सरकार के रेडार पर 275 चाइनीज ऐप हैं। इनमें गेमिंग ऐप PUBG भी है, लेकिन इन कार्रवाई से चीन भड़क गया। चीन की तरफ से भारत को धमकी दी गई है कि वो भारत में चीन के बिजनेस हितों की रक्षा और कानूनी अधिकारों के लिए जरूरी कदम उठाएगा। मंगलवार को दूतावास की तरफ से आए बयान में ऐप पर लगाए गए बैन का जिक्र नहीं है, इसलिए इस बयान को भारत की तरफ से ऐप पर लगे बैन पर दी गई प्रतिक्रिया माना जा रहा है। भारत ने TikTok समेत WeChat और कई ऐप्स को बैन कर दिया है। दूतावास की तरफ से आए बयान में कहा गया है कि भारत में चीनी उद्योग को लगातार चीन की सरकार की तरफ से अनुरोध किया जा रहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय कानूनों का पालन करे। साथ ही ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो बाजार के सिद्धांतों के अनुरूप ही देश में चीनी बिजनेस के कानूनी अधिकारों और हितों की रक्षा करे। बयान में कहा गया है कि चीन और भारत के बीच सहयोग आपसी फायदा पहुंचाने वाला है। जानबूझकर इस प्रकार के प्रयासों में हस्तक्षेप करना भारत के हितों में नहीं होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।